हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद अस। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ और मैं बताती हूँ आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो है एसएमएस या फिर जिसे हम चैट रूम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब बेसिकली इसका मतलब होता क्या है, ये कुछ एब्रीवेशन है जिसको हम अपने एसएमएस में जब हम किसी से बात कर रहे हो या अपने ईमेल में यूज़ करते हैं, लेकिन हम यूज़ तो करते हैं बट हमें ना तो उनकी फुल फॉर्म पता होती है और ना ही हमें उनका मीनिंग पता होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं और किस सिचुएशन में, और प्लस मैं आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है लॉल। अब ये तो बेसिकली आज 90% लोग इसे अपने जब भी फ्रेंड से, कलीग से या अपने नोन टू से जब भी बात करते हैं इसका यूज़ करते ही करते हैं, लॉल, LOL, LOL। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाफिंग आउट लाउड। अब बात आती है आप इसे कब यूज़ करेंगे। ये अगर कोई फनी किसी ने जोक आपको भेजा या कहा और आपको अपना रिएक्शन देना है इंस्टेंट, तो आप वहाँ पर लॉल लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आपको सुन के बहुत हंसी आई या आपको बहुत ये चीज़ मजाकिया लगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका BFF। BFF जो है ये हम करते हैं यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, और बहुत सारे हम सोशल एप्स पर भी लिखा हुआ देखते हैं, लोग इस को बहुत यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। ठीक, और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं यूज़, और अपने जो भी मिलने वाले हैं उनके लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किट, KIT, किट। किट जो है वो है कीप इन टच की एब्रीवेशन। ठीक, कीप इन टच हम कब कहेंगे, जब हमें किसी से ये कहना है कि बातचीत करते रहना, भूल मत जाना या कनेक्टेड रहना एक दूसरे से, तो वहाँ पर हम KIT किट लिख सकते हैं सामने वाले को अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान। नेक्स्ट IDK, IDK की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता। अगर सामने वाले ने कोई आपसे सवाल पूछा है या कोई ऐसी बात कही जो आपको नहीं पता, तो आप कंप्लीट सेंटेंस ना लिखकर सिर्फ IDK लिख सकते हैं, तो वो आपकी बात समझ जाएगा। नेक्स्ट इज BTW। BTW जो है आपका यू, जो इसकी फुल फॉर्म है वो है बाय द वे। यूज़ हम कर सकते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कहा, अपनी बात कंटिन्यू करते वक्त, या हम कुछ और कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप BTW लिख सकते हैं। नेक्स्ट B4N। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 है वो एक नंबर है, पर उसको भी हमने उसका जो साउंड है उसको एज अ वर्ड यूज़ कर लिया है, 4 मतलब फॉर। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बाय फॉर नाउ। सपोज़ कोई दो लोग बात कर रहे हैं और उसे एकदम से कोई काम याद आ गया या उसे कोई काम पड़ गया या उसे किसी ने बुला लिया, तो आप लिख सकते हैं B4N मतलब बाय फॉर नाउ, कि अभी के लिए बाय, बाकी मैं बाद में बात करता हूँ, तो सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज AKA, आका। ठीक है, इसको हमने ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, क्योंकि जितने भी हमारे सेलेब्स होते हैं ये एक तो अपने नाम से तो जानते ही लोग इनको जो इनके फैंस होते हैं, दूसरा इनको कुछ अलग से नाम भी दे दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अपने ऑडियंस में। तो आका जो है वो उसकी फुल फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, मतलब कि ये शख्स इस नाम से भी जाना जाता है या इसको ये टाइटल मिला हुआ है, तो अका हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DIY। DIY की जो फुल फॉर्म है वो है डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब आजकल बहुत सारे आप देख रहे होंगे YouTube पर ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम करना सीख सकते हैं जिसको करने में अब तक हम लोग डरते थे या फिर कतराते थे, चाहे वो कुकिंग हो या कुछ आर्ट हो या फिर कुछ फैशन टिप्स हो या मेकअप टिप्स हो। तो डू इट योरसेल्फ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये कहना है तुम ये काम खुद कर लो, या फिर ये DIY जो है आजकल बहुत ज़्यादा हम देखेंगे जो सोशल एप्स पर वीडियोज़ हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा है। और लास्ट है आपका ROFL। ROFL अगर मैं सच बताऊँ, ये मैंने बहुत, जो ट्विटर हैंडल होता है वहाँ पर लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, मैंने खुद देखा है ज़्यादातर सेलेब्स यूज़ करते हैं। ROFL की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग।
इसका मतलब यही कि जब इंसान बहुत ज्यादा लोटपोट करके हंसता है ना कि जमीन पर ही लुढ़क जाए, तो ऐसी वाली हंसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, RO FL। अब इस चीज को आज बताने का मेरा मकसद ये है कि भले ही हम ये चीजें पढ़ते भी हैं और देखते भी, लेकिन और यूज भी करते हैं, मतलब इत्तेफाक की बात है हम यूज भी करते हैं, लेकिन ना ही तो हमें इनकी फुल फॉर्म पता होती है और ना ही हमें इनका मीनिंग पता होता है और ना ही हमें ये पता होता है कि हमें किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में इन्हें यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये जो मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑब्वियसली नया ही है क्योंकि और थोड़ा अलग भी है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी पता चले कि किस तरह से हम जब भी किसी से चैट कर रहे हो या SMS पे बात कर रहे हो तो हम इन एब्रीवेशंस का, इन एक्रोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी रिलेशनशिप सामने वाले के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।